भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा पीओके में किए गए सीज फायर में गुमला का लाल शहीद हो गया। मूल रूप से गुमला बसिया के टेंगरा निवासी जीतू गोपी का पुत्र संतोष गोप इस हमले में शहीद हो गया। वहीं घटना की सूचना पर गांव में मातम का माहौल है। हालांकि संतोष गोप का शव सोमवार गांव लाया जाएगा। वहीं अपने बेटे के शहीद होने पर मां सारो देवी का कलेजा पसीज गया है, लेकिन देश के प्रति अपने लाल की कुर्बानी पर पूरे परिवार को गर्व है। प्रधानमंत्री से घर हमको चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए और आदमी का जान भी चाहिए। सब जान सब पाकिस्तान बोलो। संतोष गोप मेरा बड़े भैया थे, आज देश के लिए वो शहीद हो गए हैं, लेकिन हमें खुशी की बात है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। हमें सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारे भाई के बदले 100 पाकिस्तान को मार गिराए और उनका बदला ले। मेरा भाई गया था आर्मी में, और आएंगे कह के बोल रहा था ये दिसंबर छुट्टी में, फिर अभी पाकिस्तान में लड़ाई हुआ और उसके बाद ऊपर से बम विस्फोट हो गया, उसी से उसका ये शहीद हो गया। और साहिब लोग का खबर आया और वो लोग फ़ोन करके इधर घर वालों बड़े भैया छोटे भैया को बताया और वो उसका फ़ोन को रिसीव करके बाद रिसीव किया अपना भाई बड़े भाई। रात बताया गया, रात 10 बजे सुबह से ही शहीद के घर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। शहीद के पिता जीतू गोप और मां सारो देवी ने कहा कि हमें गर्व है कि मेरे लाल का खून देश के काम आया। साथ ही बताया कि संतोष दीपावली पर अपने घर आने वाला था और उसका विवाह करना था, लेकिन वो शहीद हो गया। हम सरकार से एक के बदले 10 सर चाहते हैं। बता दें कि शहीद संतोष गोप साल 2012 में आर्मी में भर्ती हुआ था और पिछली बार मई 2019 में घर आया था। संतोष फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात था और शहीद हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से राकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।